रविंद्र जडेजा को चलाकी करनी पड़ी भारी, अंपायर ने दिया आउट, गुस्से से हुए लाल। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 61वें मैच में भारी ड्रामा देखने को मिला। सीएसके की बल्लेबाजी के दौरान पारी के 16वें ओवर में रविंद्र जडेजा को ऑब्स्ट्रिंग द फील्ड यानी फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के लिए आउट करार दिया गया। रविंद्र जडेजा अंपायर के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वापस जाते समय वह बुरी तरह से झल्ला उठे। दरअसल 16वें ओवर में जडेजा दूसरे रन के लिए तेजी से मुड़े और हाफ पिच तक पहुंच गए। तब तक गेंद संजू सैमसन के पास आ चुकी थी और उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड पर निशाना साधते हुए थ्रो कर दिया। इस दौरान जडेजा भी देख रहे थे कि संजू के पास बॉल आ चुकी है, लेकिन वह विकेट के बीच से नहीं हटे और संजू का थ्रो उनके हाथ से जा लगा। ऐसे में मैदानी अंपायर ने इस मामले को थर्ड अंपायर के पास भेजा और जडेजा को आउट करार दिया गया।